बिगनिंग ऑफ द टर्सरी पीरियड अबाउट सेवेंटी मिलियन ईयर्स अगो वॉ द स्टार्ट ऑफ द एज ऑफ मैमल्स मैमल्स सबसे ज़्यादा एडवांसड और डिवेल्प ऑर्गेनिजम्स हैं इस आर्थ पर इन मैमल्स में या एनिमल्स में हम डिफरेंट कैरेटरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो पर्टिकुलरली मैमल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं uh, सब मैमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स हैं, हेयर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल फूड और थ्री मिडल ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर हेयरिंग मैमल्स के अंदर रेस्पायरेशन एक प्रॉपरली डिवेल्प होती है जो कि लंग्स के, के थ्रू होती है हार्ट प्रॉपर डेवलप्ड होता है जो कि फोर uh, चैम्बर्ड होता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई करती है बाय दी हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन दैट्स वाई उसमें ब्लड का कलर भी रेड होता है एक्सक्रीटरी मैकेनिज़्म हाईली डेवलप्ड है और ऑर्गेनिजम अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रॉपर एक्सक्रीट आउट करते हैं बाय यूजिंग द किडनी टीथ जो कि जॉब प्रॉपर्ली डिवेल्प हैं तो टीथ स्पेशल किस्म के टीथ हर एनिमल के अंदर ऑलमोस्ट किसी या किसी एक स्टेज पर ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं अब हम बात करते हैं कि मैमल्स को डिफरेंट क्लासेस में आगे फर्दर डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे सबसे पहले है इंफ्रा क्लास इसमें प्रोटोथीरिया सेकेंड है थीरिया प्रोटोथीरियन के अंदर वो मैमल्स शामिल होते हैं जो कि एग लेंग हैं और इसकी वजह से हम इनको मोनोट्री मैटा कहते हैं जैसा कि डकबिल प्लेटिपस सेकेंड इन्फ्रा क्लास है इसमें थीरिया थीरिया को आगे फर्दर दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है जिसको हम कहते हैं मेटाथीरिया एंड यूथेरिया थीरिया के अंदर मारसूपियल्स आते हैं या पाउच मैमल्स आते हैं और उसकी कॉमन एग्जाम्पल है कैंग्रो जो थर्ड टाइप है इंफ्रा क्लास है वो यूथ इरिया है जिसके अंदर प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं लाइक कैटल्स हैं लाइक डॉग्स हैं लाइक ह्यूमंस हैं अब हम वन बाय वन इन सब इंफ्रा uh, क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इनके हैबिट habit, हैबिटेट और इनकी फ़िज़िकल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे मोनोट्रीम्स मोनोट्रीम्स

माउथ पार्ट जो है उसमें टीथ नहीं होते हैं प्रॉपरली डिवल्ड बल्कि उनकी जो माउथ का रीजन है वो बीक की फॉर्म में जो अपर जॉ है वो इस तरह से डिवेल्प हो जाती है कि वो बीक की शेप देती है जो कि हार्ड होती है अगर इसकी हम बॉडी का साइज़ देखें तो 50 सेंटीमीटर तक लॉन्ग इसकी बॉडी का साइज़ होता है जो कि एक अडल्ट बिल पेटिबस का साइज़ है इसकी लेंथ है और बॉडी के वही थ्री रीजनज हैं हेड है ट्रंक है एंड देन द टेल पार्ट अब हम बात करते हैं कि इसमें जो एग लेंग मेकनिज़म है वो किस तरह से है जो अडल्ट डबिल पेटीपस है वो एट अ टाइम वन टू तो थ्री एग्स ले करती है और इनके बाद जो यंग वंस हैं उनका साइज तकरीबन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तक होता है और उनको जो फीडिंग है मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू होती है जो कि फीमेल डक डकविल पेटिपस की थ्रू आउट द बॉडी एब्डोमिनल रीजन में स्कैटर्ड होते हैं ये मेमोरी ग्लैंड्स और विदाउट निपल्स होते हैं वहाँ से ये यंग वंस फीड करते हैं और इतना ग्रो कर जाते हैं कि जब वो अडल्ट स्टेज तक जाते हैं तो मोनोट्रीम्स का साइज़ बढ़कर फिफ्टी सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है फिर हम देखते हैं आपको क्लियरली इसके क्लॉज नज़र आ रहे हैं पिक्चर में या इसके लिम्स नज़र आ रहे हैं दोनों लिम्स फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के जो डिजिट्स हैं वो फाइव हैं और क्लॉज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आप देखें कि दोनों लिम्स के दरमियान में ये एक क्लॉ का पैटर्न बनाते हैं जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करते हैं मूवमेंट करते हैं थ्रू आउट द डिफरेंट हैबिटेट रीजन्स नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें कि डकबिल पेटिबस की जो माउथ का रीजन है वो क्लियरली विजिबल रीजन है जो कि एक ही गो में देखने से पता चलता है कि जो अपर लिप है इसका किस तरह से यहाँ से एक्सटेंड हुआ हुआ है जो कि एक बीक की शेप देता है फिर उसके बाद बॉडी आप देख रहे हैं कि फुल बॉडी इसकी स्मॉल हेयर से जो कि सॉफ्ट हेयर्स हैं उससे कवर्ड है इसके क्लॉज भी बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि फीट्स हैं फाइव लिम्स हैं और ये क्लॉ की फॉर्म में क्लॉज बनाते हैं दोनों डिजिट्स के दरमियान जितने भी इनके फिंगर्स हैं उनके दरमियान में क्लॉज की तरह का पैटर्न बनता है नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाथीरिया की जो कि थीरिया के अंदर आते हैं मेटाथीरिया में मार्सूपियल्स हैं जैसे कि एक इसके एग्ज़ाम्पल है कैंगू कैंगू की अगर हम बॉडी देखें तो इसमें आपको दिखने में नज़र आ रहा है इसके मेन प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं इसके फोर लेग्स हैं या फोर लिम्स हैं जो कि शॉर्ट हैं दोनों पिक्चर्स में आपको ये शॉर्ट नज़र आ रहे हैं जबकि जो इसके हाइंड लिम्स हैं हाइंड लिम्स बड़े होते हैं जिसकी वजह से ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं लेकिन शॉर्ट फोर लिम्स होने की वजह से ये होपिंग करते हैं बड़े आराम से और इनकी जो टेल है प्री हैंड टेल का, का काम करती है यानी इसका जो बैठने का या चलने के लिए हाइंड लिम्स के अलावा इसकी टेल इसको हेल्प करती है कि किसी भी जगह पर ये आराम से स्टेबल होके बैठ सकता है कैंग्रो और इसका पाउच भी आपको देखने में नज़र आ रहा है कि ये दीज एनिमल्स आर विद आउट प्लेस सेंटा विदाउट पाउच इनका बना होता है बॉडी के बाहर जिसकी वजह से जब इनमें यंग वंस एक खास एज तक जाते हैं गेस्टेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है और शॉर्ट पीरियड के बाद यंग वंस हैं वो क्रॉल करके इस पाउच के अंदर चले जाते हैं पाउच के अंदर मेमरी ग्लैंड हैं और टीट्स के थ्रू ये अपने फीमेल जो कैंगू है अपने यंग वंस को जब तक वो इंडिपेंडेंट हो जाता है तब तक उसको Uh, वहाँ पे फीड करवाती है तो इस तरह से इसका यंग वन प्रोटेक्टेड भी रहता है और वहाँ पर अपना जो फीडिंग है मिल्क फीडिंग है वो इस पाउच के अंदर ही करता है मार्सुपियल्स जो हैं जिसमें हमने कैंगू की बात की है ये एक ऐसा एनिमल है जिसको देखते साथ ही हमारे माइंड में आता है कि ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में कन्फाइंड स्पीशी है इसकी और कोयला इज आल्सो इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ कैंगज़ सो so, uh, हमने अभी देखा कि जो मारसूपियल्स हैं उसमें कैंगू की एग्जाम्पल uh, देखी है कि uh, किस तरह से उसमें पाउच बॉडी के बाहर मौजूद होता है और उस पाउच में जो कम गेस्टेशन पीरियड अपना जो होता है यंग वंस का उसकी वजह से उसको कंप्लीट करके उसके बाद यंग वंस पाउच के अंदर चले जाते हैं और उस पाउच में मिल्क फीडिंग करते हैं थ्रू मेमरी ग्लैंड्स और फिर अडल्ट या इंडिपेंडेंट होके वो पाउच से बाहर आ जाते हैं नेक्स्ट यूथ हीरिया है यूथ एरिया में प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं जैसे कि ह्यूमंस ह्यूमन इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स प्लेसेंटा फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद होता है जिसकी वजह से यंग वंस मदर के अंदर अपना गेस्टेशन पीरियड ए लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है वो कंप्लीट करते हैं और मदर से ही आ, अपनी डोज लेते हैं फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसके बाद यंग वन हेच आउट होते हैं और उसके बाद वो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क uh, फीडिंग करते हैं सो so, uh, ये टेट्रापोर्ड्स हैं जो कि हाईली डिवेल्प टेट्रापोड हैं टेरेस्ट्रियल टैट्रापोड हैं बॉडी पर हेयर्स भी होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी एनिमल की एग्जाम्पल ले लें विच हैल्स दैम टू इंसुलेट देयर बॉडी टू इंसुलेट देयर बॉडी एंड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ये एनिमल्स वार्म ब्लडेड हैं अपना बॉडी टेम्परेचर इनका मेंटेन होता है बट जो नेचर ने इसके अंदर चीज़ें डेवलप की हैं जैसे स्किन की है जो कि जिसके ऊपर स्वेट ग्लैंड होते हैं स्बेशियस ग्लैंड होते हैं जो इसको वार्म ब्लडेड होने में इसकी इस मेकनिज़म में इसको हेल्प करते हैं फिर इसके बाद है इसके लिम्स की बात करते हैं तो इसमें टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं यानी कि लिम्स जो हैं वो फाइव डिजिट्स हैं इसके अंदर पांच उंगलियां होती हैं विच इज़ एडेप्टिड फॉर वॉकिंग फॉर रनिंग एंड क्लाइंबिंग स्किन पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्किन पर देर आर नमरस ग्लैंड लाइक स्वेट ग्लैंड सब्बेशियस ग्लैंड ब्रेन इज़ वेरी हाईली डिवेलप्ड ब्रेन के अगर दो पार्ट्स को हम देखें तो इसके सारे ब्लर हैं और इसके अंदर पूरा न्यूरॉन्स का सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कि हमारे इनकी जो ब्रेन्स हैं उसमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एग्जिस्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी में सेंसेशंस फील होती हैं अगर किसी तरह की कोई सेंसेशन हो तो वो इन इन के थ्रू जो है वो सेंस की जा सकती है आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाय मूवेबल आईलेट जैसे कि ह्यूमंस में हम देखते हैं कि आइज़ के ऊपर आईलेड है जिसकी वजह से आइज़ को ड्राई होने से और डिफरेंट कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उससे आइज़ को प्रोटेक्शन मिलती है ईयर्स में थ्री बोन्स हैं जो कि हीयरिंग सिस्टम को बहुत ही एफिशिएंट बनाती है और बाहर वाले जो ईयर का पार्ट है उसको पिना कहते हैं वो इसमें प्रॉपरली डिवेलप होता है सेंसेस ऑफ डिफरेंट सेंसेस जैसे सेंस ऑफ स्मेल है सेंस ऑफ टेस्ट है सेंस ऑफ टच है ये मैमल्स के अंदर प्रॉपरली डिवेल्प हुआ होता है सेक्सेस जो हैं वो डिफरेंट हैं मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और ये पैरस हैं यानी कि प्लेसेंटल मैमल्स में ये यंग वंस को हेच करते हैं यंग वन लेंग मैमल्स हैं एम्ब्रियो क्या होता है कि एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी के अंदर रहता है डेवलपमेंट पूरी करता है गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है और उसके बाद यंग वन हेच आउट होते हैं दैट्स वाई हम इसको वी वी पैरस बोलते हैं और प्लेसेंटल मेम्बर्स होने की वजह से इनका गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ये मदर के साथ बॉडी के अंदर अटैच होते हैं और वहीं से सारी फीड लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमने मैमल्स के बारे में देखा कि ये किस तरह से सेवेंटी मिलियन ईयर्स एगो इनके अंदर एकदम से एवोल्यूशन आई और इनके अंदर एडेप्टेशनस आईं जिसमें इनकी स्किन है हेयर्स हैं मेमोरी ग्लैंड्स हैं और इनके अंदर प्लेसेंटा की डेवलपमेंट है जिसकी वजह से या मार्सुपियल्स में जिस हम देखें पाउच की डेवलपमेंट है या एग लेंग जो बिल प्लेटिपल्स है उनके अंदर इस तरह से अडेप्टेशनस आई कि वो अपने आप को किसी भी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हार्श इन्वायरमेंट में अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए सक्सेसफुली रह सकते हैं